बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, रिबेट ऑन बिल। रिबेट का मतलब क्या होता है, इनको कुछ रिबेट दे दो। रिबेट दे दो मतलब डिस्काउंट दे दो। तो सर डिस्काउंट वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे? डिफरेंट सिचुएशंस में दिया जाता है इसीलिए रिबेट। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलग चीज। मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे 3 मंथ्स का बिल दे दिया एक्सेप्ट करके। अब मैंने उससे 3 मंथ्स में पैसे लेने हैं। 2 महीने बाद वो मुझे आके बोलता है कि 3 मंथ्स का बिल था, मैं आपको 1 महीने पहले पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं आपको 1 महीने पहले पेमेंट करना चाहता हूँ, क्या मुझे उसके अगेंस्ट कोई डिस्काउंट मिलेगा? तो अगर मिलेगा तो मेरे पास कोई रीजन है ना जल्दी पेमेंट करने का, अदरवाइज तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, वरना तो बैठो 3 महीने वेट करो। तो ड्रॉअर ड्रॉअर ड्रॉई को इंसेंटिव देता है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो उसको टर्म दी जाती है रिबेट ऑन बिल। तो रिबेट इज अ डिस्काउंट ओनली। तो जो पेमेंट कर रहा है ड्रॉइंग, उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव। ड्रॉअर जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। यहां पे टर्म डिस्काउंट यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? रिबेट। तो रिबेट अलाउड इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। रिबेट रिसीव्ड इज एन इनकम, रेवेन्यू इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान से देखना 1 सेकेंड। रिबेट इट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई इफ द बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई, इट इज एन इनकम फॉर द ड्रॉई एंड एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉअर। दो ही पार्टीज हैं, एक जिसने पैसे लेने थे, एक जिसने पैसे देने थे। ध्यान से देखना। ओके, जब बिल मेच्योर होता है, जब बिल मेच्योर होता है पेमेंट मिलनी होती है, तो एंट्री होती है कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, पैसे रिसीव कर रहे हैं। अब बिल था 10,000 का, मैंने रिबेट दी 1,000 की, तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, मैं ड्रॉअर हूं। तो जितने भी पैसे मिले कौन से अकाउंट में जाएंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। कितने पैसे मिलेंगे आपको? बिल अमाउंट माइनस द रिबेट, जितने आपने रिबेट दी। तो रिबेट डेबिट क्यों हो रहा है? ड्रॉअर, मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं, मैंने कहा चलो दिया आपको डिस्काउंट, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है ना, तो इसलिए रिबेट डेबिट होती है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। बिल रिसीवेबल, एसेट मेच्योर हो चुका है, तो वो एसेट खत्म, उसके अगेंस्ट आपके पास पैसे आ गए। जो पेमेंट कर रहा था वो नॉर्मल सिनेरियो में एंट्री करता था बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। अब उसको पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसको कुछ डिस्काउंट मिला है, उसकी लायबिलिटी तो पूरी खत्म। तो बिल्स पेबल की जो आपकी लायबिलिटी है वो तो पूरी की पूरी खत्म, बट पैसे आपको कम देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? बिल अमाउंट माइनस रिबेट, बिल अमाउंट माइनस रिबेट। रिबेट ऑन बिल आपके लिए, जिसने पेमेंट करी उसके लिए इनकम है। तो रिबेट का अमाउंट बहुत रेयरली गिवन होता है, रिबेट गिवन होती है परसेंटेज में। जर्नल एंट्रीज क्लियर है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट डेबिटेड, रिबेट ऑन बिल डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। जो पेमेंट कर रहा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक टू रिबेट ऑन बिल। जर्नल एंट्रीज क्लियर है। अब ध्यान से एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस में जब हम बिल्स बैंक के साथ डिस्काउंट करते थे, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस में, डिस्काउंटिंग चार्जेस परसेंटेज में दिए होते, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता था कितना बैंक कमीशन चार्ज करता था, जितना बैंक को वेट करना पड़े। रिबेट ऑन बिल, रिबेट जो कैलकुलेट होगी, रिबेट किस हिसाब से कैलकुलेट होती है? जितनी जल्दी वो मुझे पेमेंट कर दे। 1 महीने पहले पेमेंट करेगा तो मैं 1 महीने के हिसाब से डिस्काउंट दूंगा, 2 महीने पहले पेमेंट करोगे तो 2 महीने के हिसाब से डिस्काउंट दूंगा,
जितना ज्यादा जल्दी पेमेंट करोगे डिस्काउंट का अमाउंट उतना ज्यादा होगा. तो रिबेट ऑन बिल, बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एम बाय 12, वेयर एम इज द नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फॉर मैच्योरिटी. नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फॉर मैच्योरिटी. फर्स्ट जनवरी को मेरे पास बिल आया था, 3 मंथ्स का बिल है, तो 4 अप्रैल को मैच्योर हो रहा था. 1 मार्च को आया मेरे पास वो कि मैं पेमेंट करना चाहता हूं, तो 1 महीना बचा है, तो 1 महीने के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा. वो 1 फेब को आया तो 2 महीने बचे हैं, तो जितना ज्यादा टाइम बचा है डिस्काउंट का अमाउंट, रिबेट का अमाउंट उतना ज्यादा होगा. कैलकुलेशन ऑफ रिबेट एंड जर्नल एंट्रीज, कोई भी डाउट? नो सर. अब आप अपने आप इस पे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक सी कैलकुलेशन, बेसिक सी एंट्रीज, बट पता चल जाएगा आपको समझ आया कि नहीं आया.